अगर आप एक गोली चलाएं जो तीन सतहों से टकराकर लौटे तो कुछ लोग सोचते हैं कि वो वापस आकर शूटर को मार सकती है, पर क्या ये सच में हो सकता है? सबसे पहले गोली को बिल्कुल सही कोण पर लगना होगा ताकि वो वापस आए, और हर टक्कर से उसकी ऊर्जा और रफ्तार काफी कम हो जाएगी। वो वापस आकर आपको छू सकती है, पर उसमें जानलेवा ताकत नहीं होगी। आपने ये एनिमेटेड वीडियो देखा होगा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इसमें छोटे कमरे में जो गोली रिकोशेट होती है वो हमेशा सेफ नहीं होती। ये दीवारों, फर्नीचर, हर कठोर चीज से टकराती है और मुड़ती है। इस घटना को रिकोशेट कहते हैं। फोरेंसिक और मेडिसिन की भाषा में इसे बैलिस्टिक्स कहा जाता है। अब इको इसकी परवाह कर ये वीडियो शेयर क्यों करना चाहिए, क्योंकि रिकोशेट गोली सीधी मार जितनी ही घातक हो सकती है। यह आपको या किसी और को अचानक मार सकती है, तो रिकोशेट से कैसे बचें? पहले अपने आसपास के माहौल को जानें। खुद हथियार चलाते समय बंद जगहों से बचें या जहां चल रहे वहां से दूरी बनाए। दूसरा, घर या ऑफिस में गोली रोकने वाली सामग्री का इस्तेमाल करें, जैसे कंक्रीट या स्टील की दीवारें। ऐसी स्थिति में जमीन पर लेट जाएं। गोलियां आमतौर पर ऊंचाई पर चलती हैं। सुरक्षित जगह पीछे रहें, तभी हिलें जब सुरक्षित हो। और याद रखें, बचाव ही सबसे अच्छा है। हथियारों को सावधानी से रखें और सोच समझ कर चलाएं या चलाने वालों से दूर रहें, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले है दोस्तों। और डॉक्टर के नजर से सच जानना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें और सुरक्षित रहें।